दोस्तों आपका स्वागत है फाइन आर्ट टैकूड चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ब्रश का पॉइंट बनाते हैं या फिर राइटिंग करते हैं, तो उसमें पॉइंट का बड़ा ही योगदान होता है। तो देखिए, अब ब्रश में कोई पॉइंट नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो ब्रश को ऐसे काट लेते कैंची वगैरह से, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे ब्रश की बाल की मात्रा कम हो जाती है तो ब्रश वैसे भी खराब हो जाता है। चलिए मैं आपको, पहले तो तेल में केरोसिन नहीं है, अब चाहे तो दूसरा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तारपीन वगैरह। देखिए तेल में डुबाने के बाद भी इसका पॉइंट नहीं बन रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे काटा नहीं जाता है। इसके लिए आप सैंड पेपर लें, ऐसा पेपर, अब पेपर में आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा रगड़ना है, हल्का हल्का। इसमें जितने एक्स्ट्रा बाल है जो टेढ़े मेढ़े, ये सब साफ हो जाते हैं, इसमें निकल जाते हैं, तो आपको ऐसा सा हरिस्ता हरिस्ता रगड़ना होगा। पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसमें ऑयल यूज़ करना है, तारपीन हो या फिर केरोसिन। चलिए पहले देख लेते हैं इसका पॉइंट कैसा है। खास पॉइंट नहीं है इसका, थोड़ा खास नहीं है, तो धो लेते ब्रश को। चलिए इसका पॉइंट अच्छे से बनाते, पलटी पलटी करना है आपको, ऐसा ऐसा एक तरफ फिर दूसरी तरफ। देखिए सब ये जो एक्स्ट्रा उसके बाल थे जो खुले हुए थे ब्रश, वो धीरे धीरे अपने शेप में आ रहे हैं। इसमें सब बाल हैं, सब जो एक्स्ट्रा बाल थे जो आप कैंची से काट देते हैं, वो सर ना करके आप ऐसा ही करिए, ये सही तरीका है। पैंट भी बन जाता है और आपकी पीछे की मोटाई कम नहीं होती, वो बराबर मौजूद रहती है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा। ये सामने का जो होता है इसको ऐसा प्रेस करना है, ये ऐसा एक उंगली लगाकर उल्टी पल्टी आपको करना है। ज़्यादा जोर से रगड़ेंगे तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा, केवल हमें पॉइंट बनाना है, इसके बाल को कम नहीं करना है। ये तो फ्लैट ब्रश है प्रगजा का, तो आप राउंड ब्रश भी ये प्रोसीजर से ही करेंगे। आप राउंड ब्रश को भी पॉइंट बनाना है आपको, लाइनिंग वगैरह कुछ करते हैं हम, तो उसके लिए भी ये सेम प्रोसीजर है, आप ऐसे ही करिए। धीरे धीरे पॉइंट बनते जा रहा दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा बनाकर। तारपिन से या फिर केरोसिन से ही, मट्टी तेल से ही बनवा ऐसा करें ना, पानी का इस्तेमाल नहीं करें हम। आपके हाथों से धीरे 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 इसे अपने शेप में लाना है, बहुत प्यारा पॉइंट बनता है ये। कैंची का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है आपको, या ब्लेड का, कुछ लोग ब्लेड से भी काट देते हैं ब्रश को, तो उससे पूरा पॉइंट खराब हो जाता है। वक्त लगता है,
यही है पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए कैसे कटिंग बन रही है, कॉर्नर की कटिंग इतनी प्यारी बन रही है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ ब्रश को, पहले कैसे फूल की तरह फूला हुआ था, ये कितना प्यारा हो गया ब्रश ये बिना कैची के इस्तेमाल के ब्लेड के इस्तेमाल से। देखिए कितना प्यारा, अब इसको धोकर दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए एकदम प्यारा पॉइंट बना, देखिए नोक इसकी, नोक दिख रहा है फ्लैट, जो नोक का फ्लैट ना यही चाहिए होता है हमें साइन बोर्ड लिखने में, या कोई राइटिंग करते हैं हम उसके लिए ऐसे ही पॉइंट चाहिए होता है हमें। और वो पॉइंट सिर्फ ये रेत मल से ही मिलता है, सैंड पेपर से ही आपको मिल पाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फाइन आर्ट रायपुर को, और जो भी नए यूज़र देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए, हम आपको ऐसे ही टिप्स ट्रिक देते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको बहुत नॉलेज मिले। और भी हमारी कई सारी ट्रिक्स है, पेंटिंग है, तो जाइए हमारे चैनल में देखिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।